हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। देखिए, मेरी मशीन धुआं दे रही है, इसका इंजेक्टर खराब हो गया, अभी मिस्त्री आया है। देखिए, मिस्त्री आ गया दोस्तों। अब ये मिस्त्री खोलेगा इंजेक्टर को। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। उम्मीद करता है आप लोग का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और छोटी मोटी गलती हमसे कोई हो जाए तो आप लोग माफ़ करना, क्योंकि मैं छोटा यूट्यूबर हूँ दोस्तों, अभी मैं शुरुआत किया हूँ। अगर छोटी मोटी गलती हो तो आप लोग माफ़ करना, मुझे बड़ा भाई समझ के, छोटा भाई समझ के आप लोग माफ़ कर देना। देखिए दोस्तों, मिस्त्री अब इंजेक्टर खोल रहा है, चाबी पाना अपना निकाल लिया है। और यहाँ देखिए, हम शिवानगर में हैं, ये शिवानगर का साइड है, यहीं भी मेरी मशीन चल रही थी। दो दिन से दोस्तों ज़्यादा धुआं दे रही थी, इसलिए हमको बुलाना पड़ा मिस्त्री को इंजेक्टर चेंज कराने के लिए, क्योंकि हम इंजेक्टर मंगा लिए हैं। अभी आप लोग को दिखाएंगे, न्यू इंजेक्टर आ गया है, अब इसको खोल के उसके बाद दोबारा डालेंगे न्यू इंजेक्टर को, फिर आपको लोग को दिखाएंगे कि कैसा चलती है मेरी मशीन। दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा मेरा ब्लॉग। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और कोई भी सवाल मशीन के बारे में आप लोगों से पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। देखिए, इंजेक्टर एकदम पुराना वाला है, जल गया है। इसका नोजल, इसको नोजल भी बोलते हैं दोस्तों, इसको नोजल भी बोलते हैं, इंजेक्टर भी बोलते हैं। उसका वार्सल एकदम जल गया दोस्तों। बने रहिए दोस्तों मेरे ब्लॉग में, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, न्यू इंजेक्टर आ गया, जिसे नोजल भी बोलते हैं, नोजल भी बोलते हैं, इंजेक्टर बोलते हैं। आप लोग जो नए लड़के ऑपरेटर बन रहे हैं ना, उन लोग को इतना नॉलेज नहीं है कि इंजेक्टर कौन है, नोजल कौन है, किसे कहते हैं। अब मिस्त्री खोल लिया है, अब इसको कपड़ा से बहुत धीरे 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 साफ कर रहा है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर अगर मिट्टी चली गई तो ये धुआं देगी, इसीलिए बहुत बारीकी से इसे साफ किया जाता है कि इसमें मिट्टी ना जाए, मिट्टी ना जाए। और मेन बात, इसका वार्सल जरूर चेक करना, और उसके बाद ओरिंग जरूर चेक कर लेना, कहीं कटा तो नहीं है, नहीं तो डीजल फेंकेगा, ओरिंग से है ना, वो डीजल फेंकेगा। अभी देखिए, उसमें ग्रीस लगा के मिस्त्री देख रहा है कि इसके नीचे वार्सल है कि नहीं है, अगर वार्सल होगी तो निकल जाएगी, इसके मतलब वार्सल नहीं है। देखिए, इसमें वार्सल नहीं था, इसलिए नहीं निकला वार्सल। अब इसको फिट कर देगा। आप लोग देखिए, मिस्त्री आराम से फिट कर रहा है, आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, आराम से इंजेक्टर को फिट कर दिया है। अब इसको कसेगा, धीरे धीरे इसको कसेगा, उसके बाद हम चालू करके देखेंगे कि ऐसा धुआं दे रही है कि नहीं दे रही। कच्चा धुआं दोस्तों देती है, आप लोग देखे होंगे अभी शुरू शुरू में, मैं इसीलिए दिखा दिया, कच्चा धुआं देती है। तो आप लोग को कोई समस्या ऐसा आए तो आप लोग इंजेक्टर को ज़रूर चेक करा लें, क्योंकि नहीं चेक कराएंगे ना तो आगे चल के दिक्कत देती है, क्योंकि इसका टंकी में इतना गैस बनता है ना, टंकी खोलेंगे डीजल टंकी, इतना गैस बनता है कि बहुत तेज गैस बनता है इसमें, और धुआं धुआं पूरा टंकी में भरा रहता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग ऑपरेटर भाई मेरे, कोई भी मशीन चलाए तो अगर धुआं देती तो इंजेक्टर को सही करा लें,